हॉट कैम के ब्लू आई बॉय इमरान को बॉलीवुड बुलाता था लंगड़ा घोड़ा। मुझे लोग कहते थे एक वक्त, ज्यादा दूर नहीं, 6 महीने 8 महीने पहले ही लोग बोलते थे, क्या है मुकेश जी आपने जिद ठान ली है, ये लंगड़े घोड़े के साथ क्या बना रहे हो। और मैं बोला था यही लंगड़ा घोड़ा जो आप बोल रहे हो ऐसा तेज भागेगा कि आप लोग सब दंग रह जाओगे। सुना आपने मुकेश भट्ट के इस कन्फेशन को। मुकेश भट्ट ने जब इंडस्ट्री में इमरान को ब्रेक दिया था तो कुछ इस तरह से उनका मजाक बनाया जाता था। मुझे लोग कहते थे एक वक्त, ज्यादा दूर नहीं, 6 महीने 8 महीने पहले ही लोग बोलते थे, क्या है मुकेश जी आपने जिद ठान ली है, ये लंगड़े घोड़े के साथ क्या बना रहे हो। और मैं बोला था यही लंगड़ा घोड़ा जो आप बोल रहे हो ऐसा तेज भागेगा कि आप लोग सब दंग रह जाओगे। पर आज इमरान के सक्सेसफुल करियर ने उनके सारे क्रिटिक्स के मुंह बंद कर दिए हैं। इमरान आज बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा एक्टर्स में शामिल हैं जिनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक हिट हुई हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, मर्डर 2, द डर्टी पिक्चर और जन्नत 2 जैसी हिट्स देने के बाद आज बॉलीवुड की हर बड़ी फिल्म मेकिंग कंपनी इमरान के साथ फिल्म करना चाहती है। और इमरान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को देखा जाए तो साबित हो जाता है कि इस सीरियल किसर की आज बॉलीवुड में कितनी डिमांड है। इमरान इस वक्त मिलन लुथरिया की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल में विशाल भरद्वाज की एक थी डायन, एक्ट्रेस विद्या बालन के साथ घनचक्कर और करण जौहर की एक और अनटाइटल फिल्म पर वर्क कर रहे हैं। और जल्द ही उनकी इमेज मेकओवर फिल्म शंघाई रिलीज होने जा रही है जिसके फर्स्ट लुक के बाद से ही इमरान की काफी तारीफ की जा रही है। वैसे भट्ट कैंप के पार की नजर को मानना ही होगा कि उन्होंने इमरान जैसे एक्टर पर इतना भरोसा जताया। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई।